हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक लालची आदमी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही दयनीय था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफ़ी प्रिय थी, लेकिन एक बात जरूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आज़ाद हो गई। परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छूँ वह सब सोना हो जाए। ये इच्छा उस परी ने पूरी कर दी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी हुआ। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो गई थी। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना हमें हमेशा दुख प्रदान करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।